उपदेश का नाम है आयोनिसो सूत्र। क्या नाम है? एक भंती जी कोसल जनपद में एक जंगल में रहते थे। वो भंती जी भोजन करके दिन का समय में आयोनिसो मनसिकार में रह गया। आयोनिसो मनसिकार मतलब पंच काम के बारे में वितर्क करते हैं, क्रोध गुस्सा के बारे में वितर्क, व्यापाद वितर्क, फिर हिंसा पीड़ा के बारे में वितर्क करता है, काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क। वो मिच्छा संकल्प, मिच्छा संकल्प मतलब आयोनिसो मनसिकार, वो ऐसे सोच के रहता है पंच काम के बारे में, या तो फिर कोई डांट दिया तो मार दिया तो उसके बारे में घृणा मन से सोचते हैं, वितर्क करता है, या तो फिर दूसरों को तकलीफ करने के बारे में, तंग करने के बारे में सोचता है, वितर्क करता है। तो एक देवता भंती जी का मन को देखा, भंती जी पर दया करके भंती जी के पास आया, आकर के बताया गलत ढंग से सोचने जाएगा तो पापी विचारों से आपका जीवन खा जाएगा। गलत ढंग से मनन करेगा तो उस पापी विचारों ने आपका जीवन को खा जाएगा। गलत प्रकार से मनन करना छोड़ दीजिए, ज्ञान से ही मनन करना शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए योनिसो मनसिकार। तथागत भगवान बुद्ध के बारे में, आर्य सत्य धर्म के बारे में, आर्य महासंघ के बारे में, अपना सील के बारे में, प्रीति सुख प्रमोदता उत्पन्न करवा लीजिए। देवता ने क्या बताया? आप योनिसो मनसिकार करना मतलब अभी आप समझ गए, भगवान बुद्ध के बारे में मनन करके प्रीति खुशी प्रमोद उत्पन्न करवा लीजिए। प्रमोद मतलब एक्टिव, एक्टिव मरल जैसा है ना, वो मतलब मरल जैसा रहने का मतलब उसका मन में प्रीति खुशी प्रमोद नहीं। प्रीति खुशी प्रमोद नहीं होने का कारण वो योनिसो मनसिकार नहीं रहता है, यानी कि वो भगवान बुद्ध के बारे में मनन करके खुश नहीं होता है, धर्म के बारे में मनन करके खुश नहीं होता है, आर्य महासंघ के बारे में मनन करके खुश नहीं होता है, अपना सील के बारे में मनन करके खुश नहीं होता है, प्रीत नहीं होता है, इसीलिए होता है। मगर उसी प्रकार प्रीति सुख प्रमोद से रह जाएगा तो जरूर उसी प्रमोदता से ये दुख खत्म कर सकता है, सारे दुख को पार कर सकता है। तो भंती जी तुरंत वो देवता का बात सुन के खुश हो गया। तो जो खुशी से नहीं रहता है, एक्टिव नहीं, प्रसन्न मन से नहीं, वो धर्म के रास्ता पे नहीं, आयोनिसो मनसिकार में ही टेंशन में है, तो आयोनिसो मनसिकार में ही टेंशन जो उठाता है वो आयोनिसो मनसिकार है, टेंशन को छोड़ देता है वो आयोनिसो मनसिकार है। कितनों भी काम रहे फिर भी खुशी से रहेगा तो योनिसो मनसिकार। आप लोग छोड़िए ना, कोई कोई श्रीलंका के मामी लोग हैं, अपना बाल बच्चे का काम साफ करना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, घर साफ करना पड़ता है, सारे लोगों का सुबह खाना, दिन का खाना, रात का खाना बनाना पड़ता है, घर साफ करना पड़ता है, बगीचा का काम करना पड़ता है, पति का सारे काम करना पड़ता है, सुबह सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, रात में 11 बजे सोना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, रोज प्रवचन भी सुनता है, सुनती है, रोज ध्यान भी करती है, प्रवचन भी सुनती है, सारे का काम करके ऐसे कैसे रह सकता है? कितना टेंशन होगी, जहर खा लेगी, आयोनिसो मनसिकार में रह जाएगा तो। फिर भी महीना प्रोग्राम में आश्रम में आ जाते एक दिन पहले,
घर में कोई तकलीफ नहीं, सारे लोग खुशी से सब करते रहता है, मम्मी जी सब करके चले गई। फिर दूसरे दिन पूरा प्रोग्राम करके उसी दिन जाता है घर में, जाने से रात 11-12 बज जाता है, जाते सब इस समय कोई जगह है। फिर मैं फिर सारे काम करके खुशी से रहती है। फिर बाद में बात करते हैं, बताते बनते जी हम मैत्री ध्यान करते हैं, अभी हम मेरा मन प्रकाश में है, मेरा मन अभी दूसरे ध्यान में है, ऐसे बोलती भी है। क्यों? वो टेंशन नहीं उठाते। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? टेंशन उठाता है। थोड़ा सा अगर बताएगा तो स्कूल जाओ, थोड़ा सा बता पढ़ाई करो, मम्मी का जीवन आप लोग को मिल गया तो वैसा जीवन जो हम फिर मम्मी का जीवन बताए वैसा जीवन आपको मिल गया तो आप जहर खा लेगा, पागल हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपसे। इसीलिए भगवान बुद्ध के बारे में सोच के मनन करे खुश हो जाए, 5 मिनट भी अगर ध्यान करेगा तो उसी 5 मिनट से खुश हो जाइए, 1 मिनट ध्यान करेगा तो 1 घंटा खुश हो जाइए। संसार में आप लोग हम लोग 1 मिनट भी ध्यान नहीं किया है, धर्म के बारे में मनन करके खुश हो जाइए, ऐसा धर्म मिला। अरहन सारगुप्त बनते जी, अरहन महामोगन बनते जी, अरहन महाकाश्यप बनते जी, तभी महासंघ के बारे में सोच के खुश हो जाए, आश्रम रहने बनते लोग के बारे में मनन करके खुश हो जाइए। अपना जो सुरक्षा करने वाले सील के बारे में सोच के खुश हो जाइए, ऐसा खुशी से रहने का सिस्टम है। खुशी से नहीं रह पाएगा तो धर्म पे नहीं, खुशी से रह जाएगा तो उसको प्रीति उत्पन्न हो जाएगा, प्रीति उत्पन्न हो जाएगा सुख उत्पन्न हो जाएगा, सुख उत्पन्न हो जाएगा तो मन प्रबोध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, मन एक्टिव है तो समाधि है, वो दुख पार दुख को खत्म कर देता है, भाव सागर को पार कर देता है। ये सूत्र का नाम है आयोनिसो सूत्र, समझ गए? और एक सूत्र है मज्जातिक, क्या नाम है सूत्र का? मज्जातिक। दोपहर के बारे में बताया गया सूत्र। उस समय एक बंते जी उसी जंगल में ही रहते थे, उसने एक देवता एक बंते जी पास गया, जाकर की ये बात बताया। ये दोपहर के समय में पंखी जोर से हिला हिला के चिड़िया लोग बहुत जोर से चिल्लाता है, चिड़िया लोग चिल्लाते से पूरा जंगल गुनगुनाता है, तो उस समय मुझे डर लगता है। देवता बताए, भंते जी बताया, ये दोपहर में चिड़िया लोग जोर से पंखी को चटपटाक हिला के चिल्लाते समय पूरे जंगल एक नाद होता है, गुनगुनाता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन कभी उस पे डरते नहीं है। समझ गया? ये सूत्र उपदेश का नाम है पाकतिन्द्रिय सूत्र। मन ध्यान साधना से नहीं बढ़ाए हुए बंते जी के बारे में बताया गया सूत्र, पाक इंद्रिय। ये सारे सूत्र उपदेश देवता हम बताते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ये सुन के बंते लोग को फिर बताते हैं। हर एक सूत्र में ही भगवान बुद्ध जी ये उपदेश दिया है श्रावस्ती में। इसका मतलब देवताओं की बात गलत है? हर एक बात सही है, गलत है तो भगवान बुद्ध वो देता नहीं है, उस पे और एक जोड़ता है, देवता ऐसे बताए लेकिन ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हर एक सूत्र भगवान बुद्ध की है, देवता बताते हैं ना, भगवान बुद्ध जी से सुन के बताते हैं। बहुत सारे बंते लोग उसी जंगल में रहते थे, कौशल जनपद की जंगल है, वो बंते लोग बहुत घमंड है, अहंकार है, चपल है,
मुंह वाचाल है, वाचाल मतलब खुद बोलता है, बहुत बोलते रहता है, होश में नहीं रहता है, अवबोध नहीं है, मन शांत भी नहीं है, मन शांत भी नहीं है, मन बहुत भटकते रहता है। वो लोग बहुत फतन हुआ, फतन मन से रहते थे कौशल जंगल में। तो उसी जंगल में एक देवता बंते लोग की दया करके बंते लोगों को कल्याण के लिए कुछ बोलने के लिए सोचा। तो बंते लोग के पास आके बताया, अभी ऐसा नहीं है, पहले गौतम श्रावक लोग, गौतम शिष्य लोग, उत्तम बंते लोग सुखी से जीवन बिताए थे, पिंडपात में गए थे, कोई बिना आशा रखे, बिना कोई आशा रख के पिंडपात में गए थे, बिना कोई आशा से ही निराशा से कुटिया पे रहते थे। वे लोग अनित्यता को अवबोध करके सारे दुख को खत्म कर दिए हैं उस समय का बनते लोग, लेकिन अब पोषण करना भी मुश्किल है बनते लोग। अपना गांव का नेता जैसा है, गांव का नेता जैसा, दूसरों का घर घर पे जाके खाओ पी के नशा हो जाता है, कान पान। अभी मैं महासंघ को हम नमन करके बताते हैं, वैसा लोग जो रहता है ना, वो लोग बुद्ध शासन से बाहर है, कोई भी वो बुद्ध शासन का नहीं है। उन लोगों का जीवन जंगल में फेंका हुआ मुर्दा के समान है। जंगल में जो फेंक दिया मुर्दा, और बुद्ध शासन में गलत ढंग से रहने वाले भांति, दोनों सेम है। जो कोई प्रमाद हो गया, तो उन लोगों को हम ये बताए हैं, जो लोग प्रमाद है बुद्ध शासन में, प्रमाद मतलब घमंड है, अहंकार है, वाचाल है, होश में नहीं रहता है, अवबोध में नहीं, मन शांत नहीं है, मन भटकते रहता है, वैसा लोगों को मैं बताता हूँ। उन लोग को हम मैंने बताया। मगर जो लोग अप्रमाद है, हमेशा होश में रहते हैं, वाचाल नहीं है, अहंकार घमंड नहीं है, मन शांत है, उन बंते लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे करके देवता चन हो गया, ऐसे बोल के तो बंते लोग तुरंत अपसेट हो गया, सब हटा के ध्यान करने लगा। पद्म पुप्प अंतिम सूत्र, पद्म पुप्प मतलब कमल फूल के बारे में बताएगा सूत्र। उस समय एक बांते जी कौशल जनपद में एक जंगल में रहते थे। उसी दिन एक पिंड पाच करके आते समय एक पोखर था, उसी पोखर में उतर के कमल का फूल तोड़ के, कमल का फूल बिना तोड़ के पकड़ के सूंघ लिया। तो उसी जंगल में एक देवता बंते जी के बारे में दया किया, सोचा आप वो दिला देंगे। ऐसे करके बंते जी पास आके बताया, हे महान बंते जी, जो जंगल में जो पोखर में जो फरता था वो कमल का फूल आपको कोई दिया नहीं, लेकिन आप वो सुन लिया है, वो
वो भी एक तरह से चोर है, चोरी का काम है। तो आपने सुगंध चोर बन गया, उपसंपदा बनती है। तो बांते जी बताया, तो हम वो फूल थोड़ी ना ले जाते हैं, हम तोड़ता भी नहीं है, हम दूर से सुन लिए हैं। ऐसा होने के कारण हम कैसे सुगंध चोर बन जाता है? पंजाते देवता बताया, जो कोई कमल का फूल का जड़ उखाड़ दिया तब भी, कमल का फूल तोड़ दिया तब भी, वो अपवित्र साधु बाबा लोगों को सुगंध चोर क्यों नहीं कहता है? उन लोग पूरा कमल का फूल तोड़ के उखाड़ फेंक दिया तब भी, वैसा ऋषि लोगों को साधु बाबा लोगों को सुगंध चोर नहीं कहता है, क्यों? वो लोग अपवित्र किया क्रिया से पूरा युक्त है, अपवित्र क्रिया वाले हैं। उसका जीवन छोटी माँ का कपड़ा में फेकाना मूत्र लग गया के बराबर है। ऐसे लोगों के बारे में मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, जिसके पास उपाक्लेश नहीं है, उपाक्लेश मतलब छोटा छोटा भी गंदगी नहीं है, निरंतर वो पवित्रता को खोज के रहता है। कैसे? घोड़ा का बाल के किनारे थोड़ा भी गंदगी लग गया तो उस पर ध्यान देता है, वैसा छोटा भी गलती बादल जैसा दिखेगा तो गलती को, उनके बारे में बताता हूं, उनके लिए अच्छा नहीं है। गौतम शिष्य लोगों के अच्छा नहीं है। बांते जी बता, पुण्यवान देवतावा, सचमुच में आप मेरे बारे में जानते हैं, आप मुझ पे अनुकंपा किए हैं पुण्यवान देवता, फिर मुझसे कोई गलती हो गया तो मुझे दिखाइए, मुझे बता दीजिए। देवता बताए, पुण्यवान भिक्षु, हम आपके चलते जीवन नहीं बिताते हैं, हम आपका नौकर भी नहीं है। जो कुछ चीज से स्वर्ग में जाएगा तो वो आपको ही जानना पड़ता है, अच्छा है बुरा आप जान लीजिए, हम बताने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके देवता क्षण हो गया। वो बांते जी को शर्म आ गया। फिर बांते जी, बांते जी बहुत ध्यानी थे, साधु।